ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜੰਗਲ ਸੀਗਾ। ਇੱਥੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਫਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਕਲਾਸਰੂਮ ਤੱਕ ਐਕਸੈਸਿਬਿਲਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਆ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ 7th A ਕਲਾਸਰੂਮ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਮਾਰਟ LED ਹੈ। ਇਹਦੇ ਥਰੂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੇਟੈਸਟ ਟੈਕਨੀਕ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੇਬਸ ਥਰੂ ਜਾਂ ਐਕਸਟਰਾ ਕਰਿਕੂਲਮ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਟੀਚਰਸ ਇਹਦੇ ਥਰੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਕ ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਰੂਮ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫਰਨੀਚਰ ਬੜਾ ਕਲਰਫੁਲ ਫਰਨੀਚਰ ਹੈ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। रूटीन से की है बच्चों को इनका बहुत ही जड़ा है लाभ होंदा है, फायदा होंदा है। कुछ चीज़ खराब हो जाती है कि गवर्नमेंट नाल दी ना प्रोवाइड करवा देती है। मेरे स्कूल का एक प्रोजैक्टर लास्ट ईयर खराब होया सी, मैं हैड ऑफिस चंडीगढ़ कंप्लेंट पाई तो विदिन 15 डेज उन्होंने रिप्लेसमेंट देती। जो पढ़ाई करनी हो बच्चों ने वो टाट वगैरह तो नहीं होने? नहीं नहीं सर, हुण वो समय चला गया। हुण सब बच्चों को जिहड़ा है प्रॉपर फर्नीचर मिलता है, दिता है अच्छे फर्नीचर से बैठ के अपने क्लासेस अटेंड करते हैं तो टीचर्स नूं भी जिहड़ा है रिक्वायर्ड फर्नीचर मिलया होया। हुण वो हर एक एक्टिविटी जो एक प्राइवेट स्कूल का बच्चा कर रहा है वो इस स्कूल से भी करवाई जाती है। तो बच्चे की ऑलराउंड डिवेलपमेंट पर ध्यान दिता जाता है। खाली बच्चे नूं सरकारी स्कूल भेज के नहीं कि एनुअल एग्जाम होए, बच्चे के नंबर देखे बच्चा अगली क्लास से प्रमोट हो गया। ये जो टीचर डिपार्टमेंट का भी नहीं है, साड़ी सरकार का भी नहीं है। साड़ी सरकार भी चाहती है कि बच्चों की जी मैंटल हैल्थ पर भी ध्यान दिता जाए, उन्होंने गाइडेंस भी दी जाए, काउंसलिंग भी की जाए, उन्होंने प्रॉपर जो टैक्नोलॉजी नाल जोड़ के जो पढ़ाया जाए। तो ओवरऑल बच्चे की ऑलराउंड डिवेलपमेंट पर फोकस है। हाँ जी सर, वो जो तुसी देख रहे हो साइंस एंड मैथ एजुकेशनल पार्क है। हुण नैक्सट जो साडा मोटिव है इधर SST एंड इंग्लिश पार्क बनाने का है। तो ये दो जड़े है मॉडल इत्थे डिस्पले किए हुए ने। कमिंग डेज से जड़े है होर मॉडल इत्थे लगाए जाएंगे। मैम कंप्यूटर क्लास भी है मौजूद इत्थे, और किस तरह बच्चे उस तो फायदा चुकते हैं? हाँ जी सर, ये साडे स्कूल दी कंप्यूटर लैब है। इस विच बच्चे जड़ा है जोड़ा कंप्यूटर का जोड़ा प्रैक्टिकल है बच्चों को करवाया जाता है। कंप्यूटर से की सीख सकते हैं तो ये जोड़ा है टैक्नोलॉजी वाइज बच्चों को टैक्नोलॉजी नाल जोड़िया जाता है। पंजाबी टाइपिंग भी सिखाई जाती है। मैं पीछे देख रहा कीबोर्ड बने हुए हैं। जी सर, अनमोल लिपि या जो भी है इन डाउनलोडेड वो सब सिखाया जाता है। कि कोई सिस्टम है कि सरकारी स्कूल भी बच्चे इंग्लिश सीख पा? इस बच्चों को जोड़ा है मटीरियल उन्होंने ऑडियो सुनाया जाता है। तो बच्चे अपने जोड़े हैडफोन है अपने हैड पर लगा लेंदे ने तो उस अच्छी तरह सुनते हैं कि हाउ टू प्रनाउंस दैट वर्ड, किवें जोड़े है शब्दा का उच्चारण होंदा है इंग्लिश से तो किवें उन्होंने फिर स्पीकिंग से लिया जाता है। तो टीचर उन्होंने गाइड करता है, फिर वन बाय वन बच्चा उस तरह के जोड़ा है शब्द का उच्चारण होता है। तो इहदे नाल जोड़ा है इंग्लिश की जोड़ी प्रनाउंसीएशन है वोकैबलरी है बच्चों की इंप्रूव होंदी। ਸਿੱਖਿਆ ਮੁੱਢਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਸਭ ਦਾ, ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਥਾਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਕੂਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਗਿਲਾ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵੀ ਸਮਾਰਟ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਕੂਲ ਹੈ फाजिलका जिले दे विच तुहानूं असीं लैके आए हैं। और देखांगे कि इस स्कूल दे विच केड़ी केड़ी दिख बदली गई है। स्मार्ट स्कूलों का मतलब की है जो पंजाब सरकार कहती है, और स्मार्ट स्कूल दे विच केड़े फैसिलिटी राही बच्चे जो ने वो पढ़ते हैं, सिक्ख्या लैंदे ने और अगे वधदे ने। एक झांत मारांगे इस स्कूल दे उत्ते। पंजाब दे विचों होर भी बहुत स्मार्ट स्कूल ने, पर यह सब तो अलग क्यों है? स्मार्ट स्कूल तुम दिखावे कमरों में जाके कि किवें बच्चों को सिक्ख्या दी जाती है, किहड़े इन्हां कोल साधन मौजूद ने। तो साडे नाल इस स्कूल के हैड मास्टर मौजूद होणगे ज्योति सेथिया, जो कि पिछले लगभग 2.5 साल तो इत्थे आए ने। 2020 विच इन्हां ने ज्वाइन किया सी। तां इस पासे जो तुसी ग्राउंड देख रहे हो सारा खाली हुंदा सी, छोटा जिहा जंगल बनिया हुंदा सी, स्कूल विच आउण वास्ते भी कोई सीधा रस्ता नहीं मौजूद सी, पर 2.5 सालां दे विच इन्हां ने इस स्कूल दी देख बदल दित्ती है। और खेडां दे विच इस स्कूल ने ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜੋਤੀ ਸੇਤੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਮ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਜੇ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਕੀ ਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ? सर डिपार्टमेंट ने जेह्ड़े सरकारी स्कूलों की दिख बदलने लई इनू स्मार्ट नाम दिता। कहन च तां सिर्फ एक शब्द है स्मार्ट, पर इन्दा जेह्ड़ा मीनिंग है वो बहुत वास्ट है। स्मार्ट का मतलब क्या जाता है कि बच्चे जितों के स्मार्ट होन, जितों के टीचर्स स्मार्टली टीच कर सकन, बच्चों लई स्मार्ट जोड़ा है स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर होए, स्मार्ट यूनीफॉर्म होए, मतलब ओवरऑल स्मार्टनैस उन्होंने हर पक्षों झलकती होए। तो डिपार्टमेंट ने जोड़ा टीचा लिता स्कूल नू स्मार्ट बनाने दा, ते 2.5 साल तो मैं इत्थे काम कर रही हाँ बीइंग हैड मिस्ट्रेस, तो मैनूं भी मौका मिलिया अपनी सेवा इत्थे देण दा, ते मेरी कोशिश भी रही इस स्कूल की दिख सुधारन दी, ते मैनूं पूरी तरह बदलिया भी है। इस तो पहले एक आम साधारण कह सकते आपां नूं सरकारी स्कूल सी, पर 2.5 साल च बदलाव करते करते अज एक की बदलिया। इत्थों दा तुसीं की बदलाव कीता स्कूल दे विच आके? हाँ जी सर, जदों मैं इत्थे ज्वाइन किया तो जिवें तुसीं दस रहे हो बिल्कुल कि इत्थे एक जंगल सीगा। इत्थे डायरैक्ट अगर मैं ऑफिस की गल करा, क्लासरूम तक एक्सेसिबिलिटी नहीं सीगी, खास तौर पर जदों कोई बारिश वाले दिन हुंदे सी तां ये जिहड़ा पिंड दा जिहड़ा पानी सी वो भी स्कूल च आके खड़ जांदा सी। तां टीचर्स नूं बच्चों नूं तां मुश्किलां आनियां ही आनियां, तो इनू ग्राउंड लैवल तो सुधारिया गया। लास्ट ईयर ही इन जोड़ा है लगभग 150 के नियर अबाउट मिट्टी इन पवाई गई। पानी जोड़ा है स्पैशल बाहरों जोड़ा है टैंकर्स से लिया के इनू दिता गया ताकि जोड़ा ग्रीनरी हो सके, क्योंकि इतों के बच्चों की भी शिकायत सी कि मैडम साढ़े स्कूल ग्रीनरी नहीं होंगी, थोड़ी प्रॉब्लम भी सी। स्टिल सेम तो है, पर जिन्ना असी कर सकते असी किया। इतने 2 लॉन बनाए ने तुहाडे सामने, पार्क ने जोड़े चंगे हरे भरे तुहानू दिखाई दे रहे हैं, तो ये एक बड़ा बदलाव किया। तो उस दे नाल जड़ा है हाई स्कूल से बच्चों के लिए सब तो वड्डी कमी सी, ऐसे कोई साइंस लैब मौजूद नहीं सी, ऐसे कोई लाइब्रेरी नहीं सी, कोई कंप्यूटर लैब नहीं सी। तो बच्चों नू समय दे हानि बनाने लई सानू अपनी नाल जड़ी है टैक्नोलॉजी दे नाल जुड़ना पैना सी, इसलिए मेरी सब तो पहले कोशिश हुई कि कंप्यूटर लैब जड़ा है इत्थे बनाई जाए। तो आंदे ही इधर इस साइड तुसी जाओगे लैफ्ट साइड तक जड़ी है स्मार्ट कंप्यूटर लैब है, जिथे बच्चे जड़ा है लेटेस्ट टेक्नीक ना जड़ी है टीच जड़े टीचर्स टीच करते हैं, तो बच्चे सिक्ख्या ग्रहण करते हैं। साइंस लैब बनाएगी ताकि जोड़ा है साइंस सबजैक्ट साइंस विशे से बच्चों को मुहारत हासिल होए, जोड़ा विशा बच्चे मतलब उन्होंने वास्ते एक बड़ा वड्डा वो कह लो पंजाबी जो हुआ है कि असी नहीं सीख सकते, उन्होंने प्रैक्टिकली जोड़ा है सिखाया जाता है उस जड़ी लैब से। हुण गल करिए इस स्कूल दे विच किन्ने बच्चे पढ़ते हैं और किन्ने पिंडां दे नाल यह स्कूल जुड़िया होया है? हाँ जी टीचर किन्ने ने? हाँ जी नियर अबाउट 350 बच्चे इधर पढ़ रहे हैं। तो मेरे को फीडर पिंड 2 ही ने, एक अलियाना पिंड तो यानी कि अलियाना प्राइमरी स्कूल तो बच्चे आते हैं, तो एक कटियावाली बोदला तो नियर बाय साढ़े कोल कोई भी मिडल स्कूल नहीं है कि बच्चे 9-10 से एडमिशन लैन, इसलिए साढ़े कोल जड़ी एडमिशन का सोर्स सिर्फ 6th क्लास ही रह जाता है। बट स्टिल इस स्कूल की जड़ी स्ट्रेंथ है 350 लगभग है, तो एक अच्छी स्ट्रेंथ मनी जाती है। तुसीं अपना कोई क्लासरूम दिखा सकते हो? हाँ जी श्योर सर, ये 7A क्लासरूम है, तो इन तुम देख रहे हो स्मार्ट LED है, इन थ्रू बच्चों जोड़ा है लेटेस्ट टेक्नीक नाल बच्चों जोड़ा सिलेबस थ्रू या एक्स्ट्रा करिकुलम कुछ भी करवाना हो तो टीचर्स इन थ्रू करवाते हैं, तो बच्चों का इंटरस्ट भी बनिया रहता है क्योंकि टैक्नोलॉजी का जमाना है। अगर लास्ट फ्यू ईयरस से आप झात मारीए तो कोविड के दौरान बच्चे इलैक्ट्रॉनिक डिवाइस नाल जुड़े भी है, रादर उन्होंने एक्सपर्ट भी होए ने, तो बड़े इंटरस्टिंग वे नाल सीखते हैं। तुसी गल कीती LCD लगी हुई है, बच्चों को फायदा की होंदा है कि जो किताबां विच सौखे शब्दों में नहीं समझ आती कि वीडियो प्ले करके उन्होंने समझाउण दे नाल सौखे तरीके नाल समझ लग जाता? हाँ जी सर डेफिनेटली सर, पुराने समय से की हुंदा सी मतलब आप वो भी समय जानते हैं जो फटियां ते सीखते सीगे बच्चे बड़ा इंटरस्ट लैंदे सी, पर अज का समय बहुत चेंज हो चुके है, बदलाव आ चुके है। आप मैट्रो सिटीज़ से भी देखते हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूट से भी देखते हैं, तो सरकार का एक टीचर सोचा सी कि चलो जिहड़े सरकारी स्कूल से बच्चे आंदे ने वो बड़ी पुअर बैकग्राउंड से आंदे ने तो उन्होंने कंपीट करना है प्राइवेट स्कूल के बच्चों नाल, तो उन्होंने समय का हानि बनाने लई सानू टैक्नोलॉजी की जिहड़ी है अपने स्कूलों से ऐड ऑन करना सी। तो इहदे च जे मैं प्लस पॉइंट दसा इहदा बैनीफिट तो डैफीनेटली बच्चे जिहड़े ज़्यादा इंट्रस्ट नाल सीखते हैं। कोई टॉपिक है मैं जो आपां कोई चीज़ ऑडियो सुनते हैं है ना उनका एक असर होंदा, पर कोई चीज़ आपां विजुअलाइज करके देखते हाँ सुनते हाँ तो उनका रिजल्ट डैफीनेटली बैटर होंदा है। तुहाडे कोल ग्राउंड किहड़े-किहड़े ने स्कूल दे विच बच्चियां नूं खिडाउण वास्ते जां खेडां विच तुहाडे की योगदान है स्कूल दा? हाँ जी सर, ग्राउंड इस बिल्डिंग के बैक साइड ग्राउंड है, बड़ा अच्छा बड़ा स्पेशियस है, वो साडा क्रिकेट लई है ग्राउंड। उस साइड जिहड़ा सामने तुसीं देख रहे हो फ्रंट ते वो बैडमिंटन कोर्ट है, तो नैक्सट जिहड़ा साडा ये नया ब्लॉक जिहड़ा मतलब मेरे आने तो बाद बनाया शहीद भगत सिंह ब्लॉक, इहदे बैक साइड ते जिहड़ा कबड्डी का जिहड़ा है असीं ग्राउंड तैयार कर रहे हैं इस टाइम। सर ये स्कूल की जी स्पैशैलिटी मैं दसा तो बच्चे जिहड़े स्पोर्ट्स से बहुत अच्छे ने, पिछले कई समय तो जिहड़े बच्चों ने वक् वक् खेडा से वक् वक् जिहड़े टूरनामेंट से बड़े तरह के इनाम जीते ने। इस साल भी जिहड़ियां गर्ल्स की जिहड़ी क्रिकेट टीम है वो स्टेट खेडन जा रही है, तो इस स्कूल दियाँ ही पास आउट कीतियां दो लड़कियां जड़ियां नैशनल क्रिकेट टीम से भी चुनिया गई हैं। तुहाडे तो पहला स्कूल तुसीं कह दो कि हुण 350 तो बच्चा लगभग इत्थे पढ़दा है, तुहाडे आम तो पहला स्कूल दे विच किस चीज़ की घाट हैगी सी या तुहानूं लग्गिया भी ये चीज़ घाट नूं पूरा करना पैना है, और सरकारां दा की योगदान है कि तुहानूं प्रोपर ग्रांट मिली जां किसी कोल तुसीं डोनेशन की भी गलबात की भी स्कूल नूं डोनेशन चाहिए भी बच्चों नूं होर फैसिलिटी दी जाएगी तो बच्चे होर पढ़नगे? हाँ जी सर, जदों मैं ज्वाइन किया जैन 2020 से तो स्कूल से इंफ्रास्ट्रक्चर की काफ़ी कमी सी, बच्चों की गिनती के हिसाब नाल बच्चों के जिहड़े क्लासरूम नहीं सीगे, जिवें मैं तुहानूं पहले भी दस्सिया लाइब्रेरी साइंस लैब कंप्यूटर लैब कुछ भी नहीं सी। तो डेफिनेटली साडी सरकार ने थ्रू साडे डिपार्टमेंट सानू ग्रांट्स प्रोवाइड कीतियां ताकि असीं इन्हां नूं जिहड़ा रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है बच्चों नूं दे सकीए। डोनेशन वास्ते कि लोग अगे आउंदे ने कि डोनेशन वास्ते लोग कहंदे ने भी ठीक है सरकारी स्कूल ने बच्चे जो फीसा नहीं भर पाउंदे प्राइवेट स्कूलों के विच भी इन्हां बच्चों का भविष्य सही बन जाए या बच्चे अगे जाके होर तरक्की करन, कि डोनेशन लोग दिंदे ने? सर एक्चुअली जो डोनेशन पहली बार किसी तो आप डिमांड करते हैं कोई भी लोग कोई भी एकदम साढ़े मंगन तो नहीं देंगे, पर जो उन्होंने नज़र आता है कि इस इंस्टीट्यूट इस स्कूल से बदलाव हो रहा है उन्होंने डोनेशन सही ढंग नाल सही काम लई वरती जा रही है तो लोग अगे आ रहे हैं। पिछले 2.5 साल से मेरे स्टाफ मैंबरस से मैं बड़े एफर्ट्स किए क्योंकि कई कंपोनेंट लिए सानू ग्रांट्स मिलियाँ, बट कुछ एक स्मार्ट कंपोनेंट सी जिन्हां लई कोई ग्रांट्स नहीं सीगी, पर वो साडे स्टाफ ते जिहड़े साडे मतलब पिंड वासियां दे सरपंच पंचायत मैंबर्स इन्हां दी जिहड़ी सहायता नाल है सानू डोनेशन मिली ते असीं बाकी रहिंदे कंपोनेंट्स पूरे कीते। हुण प्रोजैक्टर लग्गिया दसोंगे भी बच्चे किवें प्रोजैक्टर दा फायदा लैंदे ने? हाँ जी सर, जिवें तुसीं आ देख रहे हो एक स्मार्ट क्लासरूम है, इहदे विच जिहड़ा फर्नीचर बड़ा कलरफुल फर्नीचर है, तुसी प्रोजैक्टर देख रहे हो। रूटीन से की है बच्चों नूं इहदा बहुत ही जिहड़ा है लाभ हुंदा है फायदा हुंदा है। इहदे से तुसी आ देख रहे हो एक सैंपल पेपर है एक प्रैक्टिस टेस्ट है, तो बच्चों का जिहड़ा है डिवाइस नाल जुड़ के या जदों उन्हां कोल कुछ हार्ड कॉपीज़ नहीं हुंदी मटीरीयल नैट ते बहुत पे गूगल ते बहुत पे साडा डिपार्टमेंट सानू इन्ना सप्लीमेंटरी मटीरीयल दे रहा है, पर पॉसिबल नहीं है कि असी बल्क च मटीरीयल अपने नाल कैरी कर सकीए। तो एक टीचर लई एज वैल एज बच्चों लई बड़ा ईजी रह जाता है कि वह क्लासरूम से जाता है, जिस तरह का जिहड़ा सबजैक्ट हुंदा है या उन्हां दा इंटरस्ट कई बार देख लिया जाता है तो टीचर वो इहदे च फाइंड आउट करके पर्टिकुलर वो सबजैक्ट पेपर उन्होंने प्रैक्टिस करवा देते। हम तो ये सारी दसी भी की फैसिलिटी हैगी। हम अगला सवाल आता है जो कोई चीज़ खराब हो जाती है कि गवर्नमेंट नाल दी नाल प्रोवाइड करवा देती है? हाँ जी सर, जे मैं प्रोजैक्टर की गल करा तो 2.5 साल से मतलब सानू टाइम टू टाइम दस्सिया जाता है, इनफैक्ट क्वेरीज कीतियां जांदियां भी जिहड़े स्कूल से कोई प्रोजैक्टर की खराबी आई है कोई प्लेसमेंट करवानी है तो उन्होंने कंप्लेंट नंबर दिता है, तुसीं उन्हां नूं कॉल करो वो रिप्लेसमेंट दे देंगे। मेरे स्कूल का एक प्रोजैक्टर लास्ट ईयर खराब होया सी, मैं हैड ऑफिस चंडीगढ़ कंप्लेंट पाई तो विदिन 15 डेज उन्होंने रिप्लेसमेंट देती। इतिहास वो भी दिखाने बच्चों? हाँ जी सर बिल्कुल, बच्चों जिमें अजकल कला उत्सव प्रोग्राम सीगा साडे बच्चे भी उन्हां च पार्टिसिपेंट सीगे, तो उन्हें पॉसिबल नहीं होंगे, या कई बार कह लो बच्चों जो असी बुकिश नॉलेज देने असी फोटोज़ दिखा रहे होंगे पर बच्चों तो इंटरस्ट क्रिएट नहीं हो पाता उस सबजैक्ट नाल। तो बच्चों को अपनी इंडियन डाइवर्सिटी नाल जोड़न लई असी इत्थे एक वीडियो स्टार्ट की साडे कंसर्न टीचर ने, उहदे विच जिवें साउथ इंडियन जो कल्चर है जिहड़ा दूसरा नॉर्थ इंडियन चे तो चलो आप रह ही रहे, तो वो डिफरेंट डिफरेंट कल्चर नू बच्चों के सामने एक वीडियो राही कल्चरल एक्टिविटीज़ राही उन्होंने मोटीवेट भी किया गया तो बच्चों ने उन्होंने सीखा भी। जे अज तो 20 साल पहले की गल करिए, हुण पढ़दे लगे हुए ने, उदों सोचिया सी किसी ने भी सरकारी स्कूल दे विच भी पढ़दे लगणगे, तुसीं भी तां पास आउट कीते हो? हाँ जी सर, उदों तो मतलब एवें सोचदे सी सरकारी स्कूल, वो मैनूं तां लगदा कि किते किसी पोस्टां वास्ते भी जदों कोई अप्लाई करदा या किते जिथे सरकारी स्कूल आ जांदा तां एक सोसाइटी 'च बड़ा नैगेटिव जा एक इमेज बनी हुई सी, बट द टाइम हैज़ टोटली चेंज्ड। हुण समय बदल चुकिया है, तुसीं देख ही रहे हो, पर तक को प्रमाण की जरूरत नहीं होने, स्मार्ट क्लासरूम स्मार्ट टैक्नोलॉजी की टीचर वरतों कर रहे हैं तो बच्चों को टीच कर रहे हैं। पढ़दे में भी मैम तुसीं आपदे ओर लगाए ने कि ये भी किते रूल हैगा स्मार्ट स्कूल दे विच भी पढ़दे भी लगाने ने? हाँ जी सर, स्मार्ट क्लासरूम से स्मार्ट फर्नीचर स्मार्ट कर्टनस ये सब कुछ है। समटाइम्स की होंगे कि साढ़े कोल ग्रांट्स नहीं होंदियां, जिवें पहले पुराने रूम्स ने उन्हां दा जिहड़ा है रेनोवेशन करवाई गई तो फ्लोर चेंज किए गए, कर्टनस असी अपने फंडिंग चो अपनी सेविंग्स चो खरीदे। पर जो स्कूल की गल करिए भी जो पढ़ाई करनी हो बच्चों ने वो टाट वगैरह तो नहीं होने? नहीं नहीं सर, हुण वो समय चला गया, हुण सब बच्चों को जिहड़ा है प्रॉपर फर्नीचर मिलता है दिता है, अच्छे फर्नीचर से बैठ के अपने क्लासेज अटेंड करते हैं तो टीचर्स को भी जिहड़ा है रिक्वायर्ड फर्नीचर मिलया हुआ है। तुहाडे कोल लाइब्रेरी हैगी मैम? हाँ जी सर। होर किहड़ी-किहड़ी फैसिलिटी स्मार्ट स्कूल दे विच कर दित्ती गई है सर? लाइब्रेरी वर्दी नूं लैके मैं यूनीफॉर्म नूं लैके मैं गल करना चाहुंदा। पहलां आपां नूं पता सी कि खाकी पैंट ते नीली शर्ट हुंदी सी, हुण हरेक स्कूल जो स्मार्ट स्कूल दे दायरे विच आउंदे ने वो अलग-अलग यूनीफॉर्म अपने हिसाब नाल पा सकदे ने कि वो सारा प्रोसैस की है? हाँ जी सर, स्मार्ट यूनीफॉर्म दा कंसैप्ट भी जिहड़ा है गवर्नमेंट ने दिता स्मार्ट स्कूल दे नाल। उस विच की है कि जिहड़ा स्कूल हैड है वो अपने जिहड़ा स्कूल दे बच्चों लिए यूनीफॉर्म प्रोवाइड करेगा, क्योंकि 6 to 8 जिहड़ी यूनीफॉर्म सानू अपने डिपार्टमेंट वालों मिलती है जो असी बच्चों को लैके देनी होंगी है। तो मेरे स्कूल से भी एक स्मार्ट यूनीफॉर्म बच्चों को मिली हुई है जिस विच आई कार्ड उन्होंने टाई बेल्ट जो प्राइवेट स्कूल का बच्चा पहन के जाता है वो अज सरकारी स्कूल के बच्चे को भी है। आई कार्ड भी पाना कंपलसरी है? हाँ जी सर। ये लाइब्रेरी थोड़ी मैम? हाँ जी ये लाइब्रेरी है सर। अच्छा, लाइब्रेरी च मैम कि कोई टाइम रखा गया कि सैस टाइम आना है कि कोई भी टाइम आ सकते हो? सर वैसे तो चलो जो भी बच्चे का कोई फ्री टाइम है वो आके लाइब्रेरी की बुक्स इशू करवा सकता है, उन्होंने रीड करने घरे लैके जा सकता है, बट जो टाइम टेबल विच हर क्लास से जो नॉर्म्स के हिसाब नाल जो टाइम टेबल लाइब्रेरी का एड किया हुआ है। हुण जिवें मैं कहना तस्वीरां दिखा देने पिछे तस्वीरां लगी हुई ने, ये सारिया कोई एक तो हो गया किताब के विचों पढ़ के चीज़ां बच्चों को दसनिया जो पेपर में आना है, उस तो अलावा कोई एक्स्ट्रा दसा जाता पंजाब के इतिहास बारे तुसीं लाइब्रेरी विच काफ़ी कुछ लगा के रखा हुआ है? हाँ जी सर डेफिनेटली, आ तुसीं देख रहे हो इहदे विच जिहड़ा है पंजाबी साहित्य जिहड़ा साडा पंजाबी लिटरेचर उनका मुढ़ बनिया भाई वीर सिंह दी जे आपां गल करिए भी जिहड़ा आधुनिक काव दी तां भाई वीर सिंह तो शुरू होया। तां टीचर जदों भी मतलब उन्होंने टाइम मिलता है या बच्चों की क्वेरीज होंगी है ना, क्योंकि ये सब जो बाला वर्क करवाने का इक्को एक मोटिव है कि बच्चों के मन से कोई जिग्यासा है कुछ जानने की भी फोटो किसकी है इस विच की लिखा है या की मोटिव है, तो टीचर बच्चों को अच्छी तरह गाइड करते हैं। खास दिन रखा गया कि जिन्हें भी बच्चे स्कूल पढ़ते हैं उन्होंने माँ बाप नाल तुसीं मिल सको या माँ बाप तुहानूं मिल सके? हाँ जी सर, हुणे ही सितंबर टैसट खत्म हुए ने, अज PTM 15 जी अक्टूबर में PTM रखी हुई थी तो लाइब्रेरी से टीचर्स ने कंडक्ट करवाई, इसलिए अज इस हॉल से थोड़ा पहले देखा सी रश भी सीगा, पेरेंट्स आए हुए सीगे। जो टीचर ने उन्होंने भी आई कार्ड पाना जरूरी लाजमी है? हाँ जी बच्चों के नाल नाल। हाँ जी हाँ जी सर। ये सरकारी स्कूल की साइंस लैब है जिथे तुसीं इस समय जो वीडियो देखते पे असीं जिथे इस समय मौजूद हाँ। मैम साइंस लैब शायद ही कोई गवर्नमेंट स्कूल की देखी हो इस तरीके नाल जिस तरीके नाल ये बनी हुई है, इत्थे बच्चे किस तरीके नाल सीखते हैं? क्योंकि पहला आपां देखी सी साइंस लैब हुंदी सी पर इन्ना कुछ प्रोवाइड नहीं हुंदा सी। सर साइंस लैब इसे साल ही असीं जिहड़ी है बनाई है। साइंस लैब नाल की है कि बच्चों को प्रैक्टिकल वर्क करन च जिहड़े है सुखियाई हुंदी है, क्योंकि बच्चों के मन से बड़े पुराने समय तो इको चल रहा सीगा कि साइंस बड़ा टफ सबजैक्ट है, क्योंकि प्रैक्टिकल मतलब कदे करवा दिते टीचर ने, या पुराने समय से शायद उन्होंने को फैसिलिटीज़ ही नहीं सी, तो हुण के लाइब्रेरी सॉरी साइंस लैब से बच्चे आते हैं तो टीचर उन्होंने प्रैक्टिकल लिए जो भी मटीरियल है वो अंदरों जो स्टोर रूम चो प्रोवाइड करते हैं, तो खुद अपने हत्थी करके दिखाते हैं, तो बच्चे उन्होंने तो नाल करते हैं। प्रोजैक्टर मैम हरेक क्लास में लग्या देखते हैं कि हरेक क्लास में ही प्रोजैक्टर मौजूद है? हाँ जी सर, सारी क्लासेस से प्रोजैक्टर मौजूद है, जिस क्लास से प्रोजैक्टर नहीं है उत्थे LED है। पुराने जे समय की गल करिए उस समय बच्चे गैर हाजिर भी रहा करते सन, कि रोल नंबर लेना हम सौखा है जो स्कूल ना हो? पहला तो ये चीज़ा बड़िया चलती रही, तुम्हें भी पता ही होना। सर इस विच हजे मतलब एरिया वाइज जड़ा है रूट कोर्स कह सकते, क्योंकि ये एरिया एक मजदूरी किते नाल संबंधित है, तो पेरेंट्स नू कई बार मतलब नरमे लई राजस्थान जाना पैंदा है, या समटाइम्स किते दूर जाना पैंदा है अपनी रोजी रोटी लई, तो उस समय सानू दिक्कत आती है, टीचर्स नू भी प्रॉब्लम्स आती हैं कि बच्चे जा रहे ने। पर जे मैं इंप्रूवमेंट की गल करा लास्ट 2 ईयर्स तो अज बहुत ज़्यादा चेंजिस ने। हुण बच्चे साढ़े तो पूछन आते हैं कि मैम सानू अलाउ करोगे 10 दिन की छुट्टी ले या 5 दिन की छुट्टी ले, वो सब देख के जाते हैं। फिर टीचर देखते हैं कि पिछे बच्चे का कितना कुछ सिलेबस रह जाएगा या उन्होंने एग्जाम्स तो नहीं चल रहे, जिवें हुण पिछे जो एग्जाम से तो 2 पेरेंट्स मेरे को आए छुट्टी लैनी, तो उन्होंने मैं कहनी एग्जाम्स से तुसीं एग्जाम्प्ट नहीं हो सकते, तो उन्होंने अपने घर की कोई चलो जो भी उन्होंने सैटिंग अरेंजमेंट किया तो बच्चे को छुट्टी नहीं लैके गए। हम एक होर अहम सवाल है कि पिछले समय की गल करिए तो इस समय की गल करिए की बदलाव है? जो पहला सरकारी स्कूल होंदे सी ते अज दे सरकारी स्कूल दे विच की बदलाव आया? अज तो 20 साल पहला की सी ते हुण दे 20 साल विच की फर्क है? सर पुराने स्कूल तो हुण स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर से तो तुसीं देख ही रहे हो, जे मैं इन्हां दे अकैडमिक स्टेज करा या को करिकुलर एक्टिविटीज़ है, हुण वह हर एक एक्टिविटी जो एक प्राइवेट स्कूल का बच्चा कर रहा है वो इस स्कूल से भी करवाई जाती है, तो बच्चे की ऑलराउंड डिवेलपमेंट पर ध्यान दिता जाता है। खाली बच्चे नूं सरकारी स्कूल भेज के नहीं कि एनुअल एग्जाम होए, बच्चे के नंबर देखे बच्चा अगली क्लास से प्रमोट हो गया, ये जो टीचर डिपार्टमेंट का भी नहीं है, साड़ी सरकार का भी नहीं है। साड़ी सरकार भी चाहती है कि बच्चों की जी मैंटल हैल्थ पर भी ध्यान दिता जाए, उन्होंने गाइडेंस भी दी जाए, काउंसलिंग भी की जाए, उन्होंने प्रॉपर जो टैक्नोलॉजी नाल जोड़ के जो पढ़ाया जाए, तो ओवरऑल बच्चे की ऑलराउंड डिवेलपमेंट पर फोकस है। स्मार्ट स्कूल दे विच 10वीं क्लास के बच्चे की कितनी फीस है? जो तुसी सारा कुछ दिखाया है, जे इस दोबारा बच्चे तो एडमिशन करता है फिर कितनी फीस है? हाँ जी सर 6 to 8 कोई फीस नहीं होंगी। डिपार्टमेंट वालों RTI एक्ट के थ्रू जोड़ा है, RTI एक्ट राइट टू एजुकेशन फ्री है जोड़ा सब बच्चों लिए, लेकिन 9th 10th लिए डिपार्टमेंटल कोई फीस नहीं है। लेकिन स्कूल्स के कुछ फंड है, जे मैं नियर अबाउट दसा था मंथली 60-70 रुपये नियर अबाउट। जो पार्क बनाया गया है ये वाला, कि अगे होर भी पार्क बनूगा? क्योंकि पिछे साइंस नूं लैके काफ़ी तुसीं प्रोजैक्ट दिखाए गए कि बच्चों नूं समझ लग सकन। हाँ जी सर, वो जिहड़ा तुसीं देख रहे हो साइंस एंड मैथ एजुकेशनल पार्क है। हुण नैक्सट जिहड़ा साडा मोटिव है इधर SST एंड इंग्लिश पार्क बनाउण दा है, तो इहदे 2 जिहड़े है मॉडल इत्थे डिस्पले कीते होए ने। कमिंग डेज 'च जिहड़े है होर मॉडल इत्थे लगाए जाणगे। सर एक्चुअली की है कोई चीज़ जो आप रीडिंग करते हैं तो उनका इंपैक्ट शॉर्ट टाइम का होंगे, लेकिन जो कोई चीज़ असी विजुअलाइज करते हैं बच्चे इतने मॉडल है जिमें इतने हार्ट स्ट्रक्चर है। आम तौर पर मैं देखा कि जो बिफोर 10 ईयर्स जो मैं पहले बच्चों को टीच करती तो बच्चों को हार्ट स्ट्रक्चर की जी लेबलिंग करनी बड़ी मुश्किल होंगी सी, वो भुल जाते थे। लेकिन हुण बार बार आते जाते जो भी उन्होंने इतों उन्होंने टपना या क्रॉस करना वो देखते हैं, फिर उन्होंने माइंड से ये चीज़ां जड़ियां है लंबे समय तक रह जांदियां। अब कंप्यूटर क्लास भी है मौजूद इत्थे, और किस तरह बच्चे उस तो फायदा चुकते हैं? हाँ जी सर, ये साडे स्कूल दी कंप्यूटर लैब है। इस विच बच्चे जड़ा है जड़ा कंप्यूटर का जड़ा प्रैक्टिकल है बच्चों को करवाया जाता है, कंप्यूटर से की सीख सकते हैं, तो ये जड़ा है टैक्नोलॉजी वाइज बच्चों को टैक्नोलॉजी नाल जोड़िया जाता है। पंजाबी टाइपिंग भी सिखाई जाती है, मैं पीछे देख रहा कीबोर्ड बने हुए हैं। जी सर, अनमोल लिपि या जो भी है इनदे विच डाउनलोडेड वो सब सिखाया जाता है। 300 बच्चा 350 बच्चा स्कूल दे विच फिर किद्दां इन्हां दी वारी आंदी है? सर ये टाइम टेबल बनया होया है कि क्लास वाइज जड़ा है किहड़े दिन किहड़ी क्लास ने किहड़े सैक्शन ने इस कंप्यूटर लैब से प्रैक्टिकल करना आना है, तो सब टाइम टेबल से सैट है। मैम एक होर बड़ा गिला रहता कि सरकारी स्कूल के बच्चे इंग्लिश नहीं बोल पाते, इस करके कई जो माँ बाप ने अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल के पाते हैं। कि कोई सिस्टम है कि सरकारी स्कूल के भी बच्चे इंग्लिश सीख पान? हाँ जी सर, समय ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ मैं दस रही सी, हुण समय बदल चुके है। हुण इंग्लिश सबजैक्ट ਨੂੰ प्रमोट करने ਲਈ डिपार्टमेंट भी बड़े एफर्ट्स कर रहे हैं। पिछले कुछ समय तो ਜਿਹੜਾ है EBC इंग्लिश बूस्टर क्लब चलाया ਜਾਂਦਾ, जिस ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ जिस बच्चे मोटिवेट किया जाता है कि इंग्लिश स्पीकिंग किमें की जाती है, उन्होंने वीडियोज़ बनाई जाती हैं, फिर उन्होंने गाइड किया जाता है। तो मेरे स्कूल भी इंग्लिश जी लैब बनाई गई है ताकि बच्चों का जो इंग्लिश सबजैक्ट है उन्होंने प्रमोट किया जाए। कितना होंगे मैम हैडफोन? हाँ जी सर, ये तुसी देख रहे हो, ये है इंग्लिश लैंगुएज लैब। इस बच्चों जोड़ा है मटीरियल उन्होंने ऑडियो सुनाया जाता है, तो बच्चे अपने जोड़े हैडफोन है अपने हैड पर लगा लेंदे ने, तो उस अच्छी तरह सुनते हैं कि हाउ टू प्रनाउंस दैट वर्ड, किमें जोड़े है शब्दा का उच्चारण होंगे इंग्लिश से, तो किमें उन्होंने फिर स्पीकिंग से लिया जाता है। तो टीचर उन्होंने गाइड करता है, फिर वन बाय वन बच्चा उस तरह के जोड़ा है शब्द का उच्चारण होंगे, तो ये जोड़ा है इंग्लिश की जी प्रनाउंसीएशन है ਵੋਕੈਬਲਰੀ है बच्चों की इंप्रूव होंगी है। कितने तो कितने क्लास तक मैम इत्थे लाओ है कि सारे? हाँ जी 6 to 10 सब बच्चों लिए है। इसका भी जोड़ा शेड्यूल है टाइम टेबल में ऐड किया होया कि किहड़े दिन किहड़े बच्चे ने या किहड़ी क्लास ने सैक्शन ने इत्थे आना है, तो जोड़ा है इंग्लिश लैब से प्रैक्टिकल करना। पंजाबी नूं मैम प्रमोट करने वास्ते की किया जा रहा है? हाँ जी सर, पंजाबी नूं प्रमोट करने लिए जोड़ा है साडे पंजाबी मास्टर ने श्री मनदीप सिंह जी ते मैडम ज्योति ने ये बच्चों नूं टाइम टू टाइम जोड़ा है साडे भाषा नाल जुड़े हुए मुकाबले करवाए जाते हैं। पिछले महीने की गल है जोड़े भी भाषा नाल रिलेटिड जोड़े गुरु गोबिंद स्टडी सर्कल ते जोड़े श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा जोड़े भी कॉम्पीटेटिव एग्जाम्स होंदे ने, मेरे स्कूल के मैक्सीमम बच्चे उसदे विच पार्टिसिपेट करते हैं, तो अच्छे इनाम भी लैके आते हैं ताकि बच्चे जोड़ा है अपनी माँ बोली नाल जुड़े रहन। परसों ही फाजिलका MR कॉलेज जोड़े भाषा नाल संबंधित मुकाबले ने, तो मेरे स्कूल के बच्चे उत्थे जा रहे हैं। अलग अलग कमरिया किवें बच्चों नूं पढ़ाया जाता है, प्रोजैक्टर भी मौजूद ने, LED भी मौजूद है, बच्चों को किवें इंग्लिश सिखाई जाती है, सब कुछ मौजूद है। ये स्मार्ट स्कूल है पंजाब के। पहला गल हुंदी सी कि पंजाब के स्कूल जो ने जो सरकारी स्कूल ने उस विच बच्चे ना पढ़न जान क्योंकि पढ़ाई सही नहीं हुंदी। हुण बच्चे जो ने वो भी अपने आप में इत्थे आके इदा महसूस करते हैं कि जिवें प्राइवेट स्कूल विच चले गए होण। किसी पक्षों भी पंजाब के स्कूल जो ने वो प्राइवेट स्कूल तो घट नहीं है, सब कुछ उदा ही मौजूद है। जो प्राइवेट स्कूल दे विच नियम होंदे ने उही सरकारी स्कूल दे विच ने। पहला हुंदा सी कि बिना दस्से बच्चे आउंदे नहीं सन, पर हुण जो है सब कुछ ही बदल चुका है सरकारी स्कूलों दे विच। कि भी तस्वीर सी स्मार्ट स्कूल दी जो सरकार ने बनवाए ने और किवें फैसिलिटी दित्ती गई है, तुसीं सारी वो वीडियो राहीं देख चुके हो और जानकारी हासिल कर चुके हो।